राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम बनाएंगे एक स्लीव डिजाइन जो आप टॉप पर या कुर्तियों पर किसी पर भी बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैंने ये स्लीव कटिंग कर ली है और इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है, आप 15 इंच भी ले सकते हैं। और जितनी आगे से खुला है उतना ही रहने दें, कटिंग ना करें। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे और दो दो इंच हम दोनों साइड प्लेन छोड़कर बीच में हम गैदरिंग करेंगे। तो आप चुन्नट भी डाल सकते हैं या सिलाई को मोटा करके छोटी छोटी चुन्नट डाल सकते हैं। तो मैं सिलाई को मोटा करके छोटी छोटी चुन्नट डालूंगी और ये मैंने प्लेन छोड़ लिया है। तो ये देखिए, मैंने दो दो इंच साइडों में से छोड़ लिया, बीच में मैंने गैदरिंग कर ली। अब इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। मैंने आयरन कर ली है और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जितना हमको चाहिए अपनी स्लीव का उतना हम रखेंगे। तो मुझे 6 इंच चाहिए आगे से खोला, तो मैं 6 इंच पर निशान लगा लूँगी। आपको जितना 5 चाहिए, 5.5 उतना रखें। और ऊपर की तरफ हम लगाएंगे 3 इंच निशान, जैसे मैं लगा रही हूँ, और आधी इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और बहुत सुंदर भी लगता है। और इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ हम। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैंने दोनों तरफ सिलाइयाँ कर ली है और अब हम इसमें लगाएंगे ये आगे पट्टी। तो इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच, एक दो सूत एक्स्ट्रा है। और इसकी मैंने चौड़ाई कितनी ली है, 6 इंच हमको तैयार चाहिए, तो डबल हो गया 12 इंच। और आधी इंच मुझे सिलाई का और एक इंच सिलाई का और 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैंने 14 इंच लंबी ये पट्टी ली है। तो ये 14 इंच मैंने लंबी पट्टी ले ली है और अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। तो इस पट्टी का सीधी साइड नीचे की तरफ है, ये देखिए, और ये हमारी स्लीव सीधी है, ऊपर इसका सीधा है। तो ये जो फ्रंट साइड में हम आधी इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड होगा आगे की साइड का स्लीव का। और इस तरह हम सीधी सिलाई करते हुए जो एक्स्ट्रा बचेगा वो हमारा बैक साइड में जाएगा। ये पट्टी में जो एक्स्ट्रा है ये हमारे बैक साइड में जाएगा। और अब हम इसमें एक सीधी सिलाई कर लेंगे। सिलाई मैंने कर ली है और अब पट्टी को हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। और जो ये आगे की तरफ हमने आधी इंच रखा था ना, ये हम पूरा इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, ये देखिए जैसे मैंने किया है। और ये बैक साइड वाले में थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, बाकी का हम छोड़ देंगे जैसे मैंने किया, आप देखिए। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है फ्रंट साइड में और ये आधी इंच अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए इसके सिलाई के ऊपर रखते हुए हम सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हम इस तरह से और ऐसे आगे की तरफ पूरी सीधी सिलाई लगा देंगे हम। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है सीधी तरफ और अब मैं आपको दिखाती हूँ डिजाइन कैसा बना है। बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होती है ये और आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। और जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है यहाँ पर हमारा काज बनेगा और जो नहीं है उस पर हमारा बटन लगेगा और ऐसे ये खुला रहेगा और वहाँ पर हमारी सिलाई लग जाएगी। ये इतना हमारा ऐसे खुला रहेगा, ये देखिए, ये बटन और काज मैंने कर लिया है और इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ।